알고 된다. 얘는 둘을 기대고 다이소 나무 보러 가서 끼리 끊었대. 소리 이렇게 뛰고 잘 앞을 낳게. जो मैदान में छोड़ के चले गए और टाइम पे उसी वक्त ही पुलिस पहुंची, पुलिस उनको लेके सीधा उनको चली गई अपना मेडिकल हेल्थ ऑफिस में। वहाँ पे उन्होंने इनका पूरा मेडिकल का पूरा चेकअप वगैरह हुआ, जिसमें उन्होंने फिर रेफर किया मेरे डॉक्टर ने कि सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद भेज दिया। फिर वो वहाँ पर गई, तो वहाँ से भी उनका मेडिकल हुआ है, मगर अभी फुल उनका नहीं हुआ। स्टिल हम अभी फिर उसको भेज रहे हैं लड़की को। बाकी मीन वेल जो मेन अक्यूज लड़की ने बताए थे नाम, वो दोनों अरेस्ट किए गए हैं। दोनों नाम क्या है? दोनों एक का है नाम रोशन शेख और हसन गुलहसन शेख। रोशन शेख और गुलहसन शेख दोनों शेख हैं। ये क्या करते हैं पेशावराना तौर पे? क्या है काम इनका? क्या क्या करते हैं? कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं करते। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा शराबी पीते हैं, सामाजिक बुराइयों में और इन्हीं मिल गए। इब्तदाई तफ्तीश में ये क्या कहते हैं? इब्तदाई तफ्तीश में ये कहते हैं कि भाई लड़की को हम जानते हैं, मगर ये बात है, मगर देर आर रीज़न कि भाई जानने की अलग बात है। शराब पिला के छोटी उम्र की, एक उसकी एज भी इतनी छोटी है लड़की की, लेकिन छोटी उम्र में उसके साथ उसको शराब पिला के जो भी है जाती की गई है। तो बाकी आगे मेडिकल की रिपोर्ट्स आएंगी, कन्फर्मेशन हो जाएगी सारी चीज़ों में। तो बाकी पुलिस ने बहुत अच्छा रोल किया है, चंद घंटों में अक्यूज को पकड़ लिया गया है, एफ आई आर रजिस्टर हो गई, पूरी कार्रवाई हो। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल किया आपकी तरफ से, बहुत माशाल्लाह बेहतरीन रोल है, आपको भी बड़ा शुक्रिया है। ये इस बच्ची को कहाँ लेकर गए जब ये इन्होंने ये जो वाक्य पेश है, कौन सी लोकेशन पे कहाँ पे? ये कह रहे हैं कि इनका ही कोई पीछे इनका गाँव है, इनका घर है, वहीं पर लेके कह रहे हैं। शेख ये कौन सा मॉडल है? पंप के पास है जो है ना, ये पीछे उसकी शुगर मिल्क पीछे उसका पंप है वहाँ पे। तो कितने घंटे इन्होंने इस लड़की को अपनी उसमें रखा, अक्सर भेजा में? या ये मेरे ख्याल में इनके पास जुमेरात को आई थी लड़की, वो इनके साथ ही थी वो लड़की। बेसिकली ये जुमे के दिन नहीं, जुमेरात कमीज को आई थी और वो इनके साथ थी और दो दिन तक ही उनके साथ। सजावल की रहने वाली है, जाती है। और इस बच्ची ने क्या बताया क्यों आई थी यहाँ पर जब रहने वाली? ये कहती है कि मैं यहाँ पे मैं फकीरी करती हूँ, मैं यहाँ पे फकीरी करने पैसे लेने पैसे कमाने।